रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। झारखंड में चुनावी मौसम है और आपको पता है कि चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो भी जारी रहता है। भाजपा कांग्रेस को कोसती है, कांग्रेस भाजपा को कोसती है, तो आरजेडी झामुमो को कोसती है, सभी पार्टियां एक दूसरे को कोसते हैं। सभी पार्टियां चाहती है कि हमारी सीट जो है वो ज्यादा से ज्यादा आए और हमारी पार्टी की सरकार झारखंड में बने। आपने देखा हो कि जिस तरह से पहले तो कांग्रेस के प्रत्याशी मांडू से जेपी भाई पटेल ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं अपने लिए समर्थन मांगने के लिए, तो जनता का उनको सामना करना पड़ता है। जनता का कहना है कि आप कोई काम नहीं किए हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, तो आप क्षेत्र में क्यों आए हैं वोट मांगने। लोग वहां पर वीडियो बनाते हैं ग्रामीण, तो विधायक जी का रौब भी कम नहीं होता है। विधायक जी के साथ जो दो गो बॉडीगार्ड रहते हैं वो भी वहां के लोगों का वीडियो बंद करवाने के लिए पड़े रहते हैं। फिलहाल झारखंड की राजनीति में विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा, जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सीता सोरेन मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस भी और महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी मैदान में है और इरफान अंसारी हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। आपको बता दें कि इरफान अंसारी कल अपना नामांकन कर बाहर निकले समरालय से, तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जब पूछा पत्रकारों ने कि सामने में सीता सोरेन है, कैसे उनका सामना करेंगे, तो वो कहे विधायक जी क्योंकि राज्य में वो मंत्री है, उनका रुतबा अलग है और हमेशा वो अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। और उसी पर एक बयान दिए हैं सीता सोरेन पर कि सीता सोरेन जो है वो रिजेक्टेड माल हो गई है। क्या विधायक जी को ऐसा बोलना शोभा देता है, क्योंकि एक संवैधानिक पद पे विधायक जी बैठे हुए हैं। अब ये तो जनता जो है वो तय करेगी। फिलहाल पहले आप ये सुनिए कि विधायक जी जो हैं और वहां के प्रत्याशी जो हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, माननीय इरफान अंसारी साहब, वो क्या कह रहे हैं भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के लिए, आप वो सुनिए। पहले बोरो खिलाड़ी चाहिए इनको, जो रिजेक्टेड माल है जो साथी से जीत जाता है उसको हाईजेक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिनको मैं हरा चुका हूँ उनको मैं कहूँगा यार ये समय जो है लड़ने का, लड़िए, ये तो भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूँ कि आपके साथ लड़ने में मजा आता है, यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया, हमको तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जहाँ जा रहे हैं। अपार जन समर्थन और कार्यकर्ता एक दूसरे तो रहेगा, तुम जनता का मास, मैंने लोग कहता है कि एक तरफ सरकार जो है या फिर भाजपा हो, महिलाओं की सम्मान की बात करती है, वहीं ये सत्ता पक्ष के विधायक हैं और राज्य में इस वक्त मंत्री भी हैं और जामताड़ा से कांग्रेस पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है, क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, इनके पिता फुरकान अंसारी कांग्रेस पार्टी के सांसद हुआ करते थे, फिलहाल वो पूर्व सांसद है, कांग्रेस के कद्दावर नेता है, उनके बेटा इरफान अंसारी है। ये इरफान अंसारी किस तरह महिलाओं का सम्मान करते हैं, कभी ये कंगना रनावत के बारे में बोलते हैं तो कभी सीता सोरेन के बारे में। आपको बता दें कि ये वो सीता सोरेन है जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना राम बताने वाले ये डॉक्टर इरफान अंसारी ही हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी राजनीति को साइड करके आप देखेंगे तो फिर भी ऐसा बयान जो है वो कोई नहीं देता है। फिलहाल जनता जो है ये इरफान अंसारी का जो है बयान का बताएगी कि किस तरह से इरफान अंसारी जो महिलाओं के खिलाफ एक अभद्र बयान दिए हैं, जनता उनको सबक सिखाएगी। फिलहाल भाजपा और सीता सोरेन का मांग है कि डॉक्टर इरफान अंसारी जो हैं वो सार्वजनिक तौर पर आकर माफी मांगे, अन्यथा इसका खामियाजा जो है डॉक्टर इरफान अंसारी को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल महिलाओं के सम्मान के लिए झारखंड सरकार में अभी इस वक्त मंत्री हैं, झारखंड सरकार महिलाओं की कितना सम्मान करती है इस वीडियो से ही आपको अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे साथ इस खबर में इतना ही, फिर कोई नए खबर के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपने सहयोगी ऋतिक के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, लाइव इंडिया हर पल।